डॉक्टर सुरभि गुप्ता यूपी न्यूट्रिशन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वेडलिंग के बारे में। यानी बच्चे को स्वेडल कैसे करें, रैप कैसे करें, करें या नहीं करें, क्योंकि हमारे घर में जो न्यू मदर्स होती हैं वो इन लॉज या अपने ससुराल में भी नई नई आई होती हैं, आपकी मदर इन लॉ क्या कह रही हैं, वहाँ से फ़ोन करके आपकी मम्मी क्या कह रही हैं, बच्चे को स्वेडल करना है नहीं करना है, यानी बेबी को रैप करना, बेबी को मसाज क्या है, हमारे बड़े बोलते हैं उसके बाद बच्चे को अच्छे से कवर कर दो, अब बच्चा नहा करके आया है, सोने वाला है, इसको अच्छे से कवर कर दो। तो हमें ये चीज़ करनी है नहीं करनी है, आइए इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि करना है तो कैसे करना है और इसके फायदे क्या है, गलत तरीके से करा तो नुकसान भी हो सकते हैं वो क्या है, और सही स्टेप्स क्या है ये ही हम जानेंगे आज के वीडियो में। और हाँ, आप मुझसे जो क्वेरीज पूछते हैं वो मेरी वेबसाइट पर जाकर भी पूछ सकते हैं, जो है ikmychild.co.in, और डॉग वाइज ऐप है उसे आप डाउनलोड करके उसमें जो मेरा एक पिन होता है मुझसे आप डायरेक्टली क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट आप बेबी के से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं और उससे मेरी एडवाइस मांग सकते हैं। और हाँ, उस पर हम डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू अगर ज़रूरत है तो। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना टॉपिक बेबी को स्वेडल करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वेडल या स्वेडल करना, रैप करना क्या है? देखिए, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है हमारा, जब तक वो माँ के पेट में होता है तब भी वो एक बंधन में, यानी कि एक लिमिटेड बाउंड्री में रहता है। तो बेबी के लिए सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल वही होता है, बेबी यूं करके माँ के पेट में है, तो अचानक से जब वो बाहर आ जाएगा और उसको हम एकदम ऐसे लूज छोड़ देते हैं बेबी को, तो वो बेबी के कंफर्ट लेवल में, कंफर्ट जोन में नहीं आता है। तो इसलिए जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको अच्छा लगता है कि उसको हम थोड़ा सा स्वेडल करके, यानी कि थोड़ा सा रैप करके और उसको एक बाउंड्री में रखते हैं, तो वो बेबी को अपने जैसा केयरिंग लगता है और बेबी कम्फर्ट जोन में रहता है और ज़्यादा अच्छा फील करता है। कई बार हम देखते हैं बेबी बिना वजह ज़्यादा रो रहा है, तो हो सकता है उसका एक रीज़न ये भी हो कि बेबी को केयरिंग फील नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो उसमें स्वेडलिंग का रोल आता है। प्लस जैसे अगर बेबी कम वेट का है या नॉर्मली भी वेट है, आगे उसको बेबी को वेट को और बढ़ाना है, तो अगर हम बच्चे को बीच बीच में स्वेडल करते हैं, यानी कि उसको रैप करके रखते हैं, तो बेबी को वेट गेन में भी हेल्प मिलती है। प्लस आपने देखा होगा, बच्चा अगर सो रहा है, आपने उसको बिना कुछ उठाए ऐसे ही सुला दिया है सीधा पीठ के बल, तो बीच बीच में बच्चे चौंकते रहते हैं, थोड़ा भी साउंड हुआ बच्चे चौंक गए, नींद से उठ गए, फिर उनकी जो नींद है वो ब्रेक हो जाती है। तो इसमें भी स्वेडलिंग का रोल आता है। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज हैं, अभी अभी माँ के पेट से निकले हैं, एक केयरिंग वाले अपनी बाउंड्री से निकले हैं और उन्हें हम एकदम लूज छोड़ दें, तो वो बेबीज कंफर्टेबल नहीं रह पाते। तो जब हम बेबी को रैप कर देते हैं, स्वेडल कर देते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, मैं अभी भी माँ के पेट में हूँ या मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं आराम से सो सकता हूँ। तो ये बेबी की साइकोलॉजी होती है जिसमें बेबी को हेल्प मिलती है। कई बार मदर्स हैं जो उसको हर वक्त बेबी को गोद में लेके नहीं बैठ सकती हैं, आपको दूसरे काम भी करने हैं, तो आप बेबी को बीच बीच में स्वेडल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये फायदेमंद होता है। तो स्वेडलिंग की प्रक्रिया जो सही है वो भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेबी को ठीक तरह से रैप नहीं करेंगे तो कई बार बेबी के जो हाथ पैर हैं मोस्टली हम वही थोड़ा सा टाइट करते हैं, फिक्स करते हैं, तो कहीं बेबी को पेन ना हो जाए, उसकी जो जॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा खिंच ना जाए या ऐसे अलग पोस्चर में ना बंधे रह जाए कि उसको बाद में पेन हो, या कभी कभी फ्रैक्चर हो सकता है, जॉइंट्स का डिसलोकेशन भी हो सकता है। वैसे बहुत रेयर है क्योंकि बीइंग मदर हम कभी इतना टाइट बेबी को करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। ओके, अगर ये कहा जाए स्वेडल करना है या नहीं करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है, डेफिनेटली बेबी को स्वेडल करना है, अनटिल अनलेस अगर आपको डॉक्टर ने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से मना किया गया है कि बेबी को स्वेडल नहीं करना है। जैसे अगर बाई चांस बर्थ से ही बेबी को कोई जॉइंट का डिफेक्ट है, कोई बोन्स का डिफेक्ट है, कोई कंजनाइटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मना किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप नहीं करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली सारे बेबीज को हम स्वेडल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सही प्रक्रिया क्या है। अभी मेरे पास कोई न्यू बॉर्न बेबी नहीं है, मैं बेबी टॉय को यूज करूंगी और आपको बताऊंगी, बट डेफिनेटली आपको जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोसीजर।
लेट्स सपोज ये आपका बेबी है, आपने उसको पहले अपनी गोद में लिया हुआ है या कहीं पे वो बेबी लेटा हुआ है। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक काफी बड़ा सा ब्लैंकेट होना चाहिए और जो बेबी से 4 times या 5 times बड़ा होगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हो सकता है। विंटर्स है तो हल्का थिक ब्लैंकेट होगा और समर्स है तो कॉटन का ब्लैंकेट होगा। उसकी एक एंड को आप जो उसका एक एंड जो कोने वाला एंड होता है उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि वो एक डायमंड शेप में लुक आए। आप इसको करीब 10 inch से 12 inch तक अंदर फोल्ड कर सकते हैं, जितने भी साइज का आपके पास ब्लैंकेट हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो आपने एंड फोल्ड किया है अपने बेबी को आपको वहीं पर लिटाना है। इस तरह से जो फोल्डेड एंड का एज है वो बेबी के नेक तक आए। तो बेबी आपका लेट गया, देखिए क्योंकि रवि बेबी है तो इसके एकदम स्ट्रेट है लेग्स और हैंड्स, लेकिन जब आपका बेबी होगा तो वो थोड़ा थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे मोड़ के रखता है। तो बेबी के हैंड्स और लेग्स वैसे ही फोल्डेड रहने चाहिए जैसे वो नेचुरली फोल्ड रख रहा है, उसे जबरदस्ती हमें स्ट्रेट नहीं करना है। और जितना एरिया बेबी ने लिया हुआ है खुद से उसे उतना ही एरिया लिए रहने देना है। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आप बेबी को स्वैडल करेंगे तो उसकी बैक नीचे होनी चाहिए, कभी बेबी पेट के बल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो हम स्वैडलिंग यूज करते हैं वो एकदम न्यूबॉर्न बेबीज के लिए यूज करते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी वैसे भी नेक होल्ड नहीं कर पाता तो हम उसे पेट के बल खुद से रखेंगे भी नहीं। तो ये हमने बेबी को बैक स्ट्रेट पे लिटा दिया। सबसे पहले हमने एक एंड को लिया बेबी के, मोस्टली जो हम करते हैं वो राइट साइड से पहले लेते हैं, बट आप किसी भी साइड से यूज कर सकते हैं क्योंकि आप जिस हैंड को यूज करने में कंफर्टेबल है। मोस्टली मदर्स जो होती हैं वो राइट हैंडेड होती हैं, तो हम लेफ्ट साइड वाले को पहले लेकर के ऐसे आ सकते हैं। तो एक एंड को हम लेकर के आएंगे, देखिए बेस से लिया तो शोल्डर से कवर होकर के वो बेबी को थोड़ा टाइट देखिए रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल लूज रखेंगे तो फिर स्वेडलिंग किसी काम का नहीं है, टाइट होना चाहिए कंफर्टेबली, बस कि बेबी को पेन भी ना हो और वो कंफर्टेबल रहे और बिल्कुल लूज भी नहीं होना चाहिए। तो आपने अच्छे से टाइट किया, बचा हुआ जो एक्स्ट्रा लेनिन है वो बेबी के बैक के नीचे दबा देंगे। अब जो लेफ्ट आर्म है आप देख रहे हैं ये अभी भी फ्री है। फिर आप क्या करेंगे, जो नीचे बेस वाला एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है इसको ऊपर लेके आएंगे। यहाँ देख ध्यान रखेंगे कि बच्चे के लेग्स जो है थोड़े फ्लेक्स है लेकिन वो स्ट्रेट होके लंबे भी हो सकते हैं, तो इतना स्पेस छोड़ना है कि जब बच्चा लंबे करना चाहे तो इजिली लंबे कर। इतने बचे हुए स्पेस के बाद हम ध्यान रखेंगे और ये बेबी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे ऐसे पैक कर देंगे। अभी भी लेफ्ट आर्म फ्री था। अब जब बचा हुआ लेनन है वो आप लेकर के आए, उसको टाइट किया और बेबी के पीछे, ये थोड़ा सा मेरा शॉर्ट पड़ रहा है ब्लैंकेट, बेटर हो कि आपका इससे बड़ा हो और वो बेबी के पीछे पूरा अच्छे से टक हो जाए। और यहाँ पे आप इसको दबा सकते हैं ताकि ये खुले नहीं। और हाँ, अगर हमें देखना है कि कितना टाइट होना चाहिए जो हमने स्वैडल किया है, रैप किया है, तो यहाँ के इसके अंदर हमारी 2 fingers जानी चाहिए, इतना टाइट ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं। फिर यहाँ पे आपने इसको रैप कर दिया अच्छे से, बेबी पूरा रैप्ड है, और इसको ले करके आपने जो भी उसका बेडिंग लगाया है या अपने साथ ही उसको सुला सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि आप ये कब करेंगे, एक तो जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं इमीडिएटली बच्चा फीड करने के बाद सो जाता है, तो आप उसको सुलाने से पहले फीड चेंज कर रहे हैं, लगता है बेबी सोने वाला है तो उससे पहले बीच में रैप कर दीजिए जब वो कची नींद में हो, क्योंकि जब बच्चा पकी नींद में हो जाएगा तो उसको आप रैप करेंगे तो उसकी नींद खुल सकती है, उससे पहले ही आप बेबी को रैप कर दीजिए। सेकेंडली जब आप बेबी को मसाज देते हैं तो मोस्टली एक अच्छी मसाज के बाद बेबी जरूर सोता है, तो उसको मसाज देने के बाद जब बच्चा वार्म है काफी, जब भी बेबी को आप मसाज देते हैं उसके बाद बच्चे के बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को भी मेंटेन रख सकते हैं जब आप बेबी को रैप करते हैं या स्वैडल करते हैं, तो बेबी उसी वार्म में रहेगा और काफी देर तक कंफर्टेबली सोता रहेगा।
या फिर आप बेबी को जब नहला करके आए, आपने पूरा उसको ड्राई अप कर दिया और क्लोदिंग कर दिया, उसके बाद भी मोस्टली नहाने के बाद भी जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत अच्छा एक नींद लेते हैं, तब भी आप बेबी को रैप कर सकते हैं। बस हाँ, ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो बेबी के हाथ पैर हैं वो जिस पोस्चर में है उसी पोस्चर में रहने दीजिए, जबरदस्ती उनको ज्यादा स्ट्रेट या ज्यादा बेंड कुछ भी नहीं करना है। और बेबी के लिए कंफर्टेबली इतना रूम होना चाहिए कि बच्चा थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाता है, जपता है, तो वो हिला सके, ऐसा ना हो कि वो दबा रह जाए। और बच्चे को स्वैडल करने के बाद, जैसे बेबी है, स्वैडल करने के बाद कभी पेट के बल नहीं रखना है। जब भी आप बेबी को स्वैडल करेंगे वो हमेशा पीठ के बल ही होना चाहिए, इसका ध्यान हमेशा हमें रखना है। तो ये हो गया स्वैडलिंग का प्रोसीजर, और इसे आप न्यूबॉर्न बेबीज में, स्पेशली 0 to 3 months में, जितने देर भी चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसके बीच में आप ध्यान रखें कि बेबी वेट तो नहीं हो गया है। जब बेबी स्वैडल्ड है तो उस टाइम वो नैपी में है, बीच बीच में आप नैपी चेंज करने का ध्यान रखिए, बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर दिया है, ये ध्यान रखिए। बेबी की हाइजीन मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और बेबी को जब भी फीड का रिक्वायरमेंट है फीड भी कराना है। तो जब आप बेबी को फीड कराएंगे तो डेफिनेटली उसके हाथ आपको पैर खोलना है, क्योंकि बेबी उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है। तो ये कोशिश करना है कि जब बेबी को फीड करा रहे हो तब वो स्वैडल नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन फीड्स, नींद के टाइम आप बेबी को स्वैडल कर सकते हैं। ओके, तो वीडियोस आप बहुत सारे देखते होंगे, बहुत सारे प्रोसेस भी होंगे, लेकिन जो मैंने बताया है, जो टेक्निकली बेबी के लिए राइट है, उसमें कोई हार्म नहीं हो, तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करें। ऑलमोस्ट लगभग सारे सेम से होते हैं, लेकिन इसके फायदे क्या हैं ये हर किसी को नहीं पता होता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बता रहे हैं, पता नहीं करना जरूरी है भी या नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसको करते हैं तो ये बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है, और उसको एक कंफर्टेबल केयरिंग एटमोसफेयर देता है। तो हमारा बच्चा जो इरिटेबल, कभी कभी क्रैंकी बिना वजह हो जाता है, तो वो ये कम होगा, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक अच्छी, जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, एक अच्छी लंबी नींद की ज़रूरत होती है। मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट 15 डेज टू वन मंथ बेबी 18 टू 20 आवर्स सो सकते हैं, तो कई बार इतनी नींद बेबीज को नहीं मिलती है। तो स्वैडलिंग से आप बेबी को उसमें हेल्प मिलेगी, और बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ बहुत सारे रीजंस हैं जो हम नहीं भी जानते हैं, बट वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो आप बेबी को डेफिनेटली स्वैडल करिए, सही तरीके से करिए। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मेरी क्वेरी वाले पेज पे, मेरी वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई मुझसे पर्सनल ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो आप डॉगवाइजर ऐप पर जाकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, आगे फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स को जिनके न्यू बेबीज़ हैं, उन्हें ज़रूर बताइए, या बेबीज़ आने वाले हैं तो भी ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।